हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी मन लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ नए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपके शरीर का अंग हो, जैसे आपके शरीर का अंग है हाथ पांव टांग, ये सारे मिलके शरीर की संरचना की हुई है। इसी प्रकार कि हमारे समस्त आर्थिक जगत में अनेक प्रकार की क्रियाएं संपादित होती रहती, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेक्टर, इन विभिन्न क्रियाओं को, उत्पादन के इन विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित करके अध्ययन करना, विभिन्न भागों में विभाजित करना अर्थव्यवस्था की संरचनाएं कहलाती है। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इसके अलावे भी कुछ अन्य क्रिया हो सकती है। आर्थिक क्रिया को इन क्षेत्रों को विभाजित में विभाजित करना, आर्थिक क्रियाओं को क्षेत्रों में विभाजित करना ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती रहती है, जैसे बैंकिंग हुआ, कृषि क्षेत्र हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, स्वास्थ्य का क्षेत्र हुआ, बीमा सेक्टर हुआ, कार सेक्टर हुआ, उत्पादन के सभी सेक्टरों को विभिन्न विभाजित करना ही अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्थिक क्रियाओं को, अर्थव्यवस्था की संरचना में आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी। अर्थव्यवस्था के संरचना को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र, इसे तृतीय क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं मेरे। आइए हम इन तीनों क्षेत्रों में मोटे तौर पर किन किन चीजों को रखे हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कृषि कार्य, पशुपालन, वन संबंधी कार्य, मछली पालन संबंधी कार्य, डेयरी उद्योग जैसे हुआ, मुर्गा पालन जैसे हुआ, इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि कार्य, पशुपालन से संबंधित और वन से प्राप्त करने वाली वस्तुएं, जैसे लकड़ी उद्योग, पेड़ पौधा वाले कार्यक्रम, इन सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी कृषि कार्य, पशुपालन, जंगल संबंधी कार्य, मछली पालन, मुर्गा मुर्गी पालन, इन सभी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी, मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जिसे गौण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली संबंधी कार्यों को रखा गया। उद्योग को दो वर्गों में बांटा गया है। हमारे गांव घर में छोटे पैमाने पर भी उद्योग चलते हैं, जैसे बीड़ी बनाना, ईंट भट्ठा वाले कार्य करना, सभी क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों को लघु उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी प्रकार बड़ा बड़ा उद्योग धंधा, लिमिटेड कंपनी,
जहाँ हजारक हजार आदमी काम करते हैं, जहाँ बस का निर्माण, ट्रक का निर्माण, हवाई जहाज का निर्माण या अनेक प्रकार की बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, बड़े उद्योग एवं मध्यम, जिसके अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि रहे। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक, मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र हमारा है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, व्यापार, बैंकिंग, कार, परिवहन, व्यापार, अन्य सेवाएं। बच्चों हम लोगों को ये पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती रहती है, जैसे कृषि कार्य, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा कार्य, स्वास्थ्य कार्य, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रिया। इन आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें याद रखना है कि आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की कृषि कार्य आते हैं। आइए डिटेल से देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे बराबर प्राथमिक नाम से जाना रखना है, प्राथमिक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि व्यवसाय आते हैं। जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, मेरे प्यारे बच्चों, इत्यादि व्यवसाय आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्राथमिक क्षेत्र का परिभाषा लिख दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र सभी प्रकार के कृषि कार्य करना, सभी प्रकार के पशुपालन संबंधी व्यवसाय, जंगल से लकड़ियों को प्राप्त करना, पानी में मछली का पालन करना, मुर्गा मुर्गी पालन करना, डेयरी उद्योग, ये सब हमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्शन, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से याद रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य एवं जन उपयोगी सेवाएं, जैसे गैस, बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तृतीयक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमाएं, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। यह क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को के क्रियाओं को सहायता करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप देखिए हमारा व्यापार, मान लीजिए कृषि कार्य हुआ, खेतों में उत्पादन हुआ, हम अनाज को बोरा में भरे, लेकिन अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, रोड की व्यवस्था नहीं सही से होगा, तो हम लोग उस चीजों को बाजार तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अनाज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें रोड की आवश्यकताएं होती है, हमें परिवहन की आवश्यकताएं होती है। तो ये रोड जिस पे के सहारे हम यहाँ से वहां ले चलते हैं परिवहन संबंधी, ट्रक, बस, ट्रैक्टर,
ये सब हमारा किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के चीजों को हेल्प कर रहा है, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उत्पादन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, उत्पादन की क्रिया में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचनाएं किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार, अनेक प्रकार की संचार व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इन सभी उत्पादन के क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना ही अर्थव्यवस्था का संरचना है। इन सभी आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग याद रखेंगे इन सभी आर्थिक क्रिया को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि कार्य, जंगल से लकड़ी प्राप्त करना, पशुपालन संबंधी जैसे मुर्गा पालन, डेयरी उद्योग करना, डेयरी वाला काम, खटाल खोलना, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग 15-20 मवेशियों को रखकर उस प्रकार के कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन उसी से करते हैं। तो इस प्रकार के चीजों को हम लोग प्राथमिक, माने पशु का पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चाहे वह मुर्गा मुर्गी पालन हो, चाहे दूध उत्पादन के उद्देश्य से या मांस प्राप्ति के उपदेश से हम लोग बकरी का पालन करते हैं, ये सारा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है? तो उद्योग धंधा, जहाँ निर्माण होता है। तो निर्माण हम लोग छोटे पैमाने पर भी करते हैं, जैसे ईंट भट्ठा, ये लघु उद्योग के अंतर्गत है। बीड़ी का निर्माण छोटे पैमाने पर, चप्पल जूता का बनाना, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई जाती है जहां हजार संख्या में काम। तो चाहे छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही गैस, बिजली, तो जन उपयोगी सेवाएं हैं, इसे भी हम लोग द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा क्षेत्र है। इस शिक्षा क्षेत्र को हम लोग किस के अंतर्गत रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होगा, जहाँ आपको पढ़ा लिखा के कुशल योग्य कारीगर बनाया जाता है, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यहाँ कुशलता प्रदान की जाती है, स्किल डेवलप पे काम होता है, जो उत्पादन के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो या परिवहन क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो या संचार क्षेत्र हो, ये सारा हमारा किसके अंतर्गत? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अर्थव्यवस्था की संरचना को भलीभांति समझ गए। चले मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे चल, कुछ और नहीं थी। अब आइए मेरे प्यारे, हम लोग एक तालिका के माध्यम से, हमारे देश के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद क्या था, उसका हम अध्ययन कर। मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर कीजिएगा, हम लोग लिखे हैं, आइए हम तालिका के माध्यम से योगदान देखें। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63.6%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान मेरे प्यारे बच्चों कितना था, 12.7%, और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 23.3%। तो आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था, तो क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा योगदान हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र का था और सबसे कम क्षेत्र। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग गौर करें, जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, हम लोगों को जो दो वर्ष
उससे हम लोग जिस समय आर्थिक स्थिति में इन तीनों क्षेत्रों का क्या योगदान था। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक का योगदान था 58, द्वितीय क्षेत्र का योगदान था 14.3 और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 27.। यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश में सर्वांगीण विकास हुआ, हमारे देश के सरकार ने सभी सेक्टर पे बराबर ध्यान दिए और जिस कारण हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ा। और गौर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2007 का डाटा के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 22%, द्वितीयक क्षेत्र का भी योगदान लगभग 22%, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा योगदान 56.0% मेरे प्यारे बच्चों। ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जहां स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम लोग केवल कृषि कार्य से ही मूल आय प्राप्त करता था, हमारे देश की राष्ट्रीय आय मूल रूप से कृषि कार्य पे निर्भर था, वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में सर्विस सेक्टर का विकास काफी तेजी से हुआ है, इसीलिए हम लोग विकसित श्रेणी के देशों की ओर हमारा भी देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय हमारे देश में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है, इसलिए कहा जाता है तालिका से स्पष्ट है कि आजादी से पहले हमारे देश के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, आजादी के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय आय में तृतीय या सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक हो गया है, जिसके आधार पर क्रमिक समृद्धि की ओर अग्रसर है, हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ नई बात करते हैं। समावेशिक का अर्थ होता है सबों का विकास की वह विचारधारा या विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, समाज कोई भी व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रह जाए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी व्यक्ति को लाभ पहुंचे, इस तरह के विकास को कहा जाता है समावेशिक विकास। हम लोग को याद रखना है समावेशिक विकास किसे कहते हैं। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, कहने का मतलब यह हुआ कि समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, केवल किसी को लाभ हो और किसी को लाभ नहीं हो ऐसा नहीं, चाहे वो समाज का कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी इंसान हो, सभी लोगों को जब उसका लाभ पहुंचे, समाज का कोई भी वर्ग विकास के इस लाभ से अच्छा नहीं। प्यारे बच्चों गौर कीजिए, समाज का विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो इस तरह के विकास की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों समावेशिक विकास का। समावेशिक विकास किसे कहते हैं। समावेशिक विकास जाता है जिसमें समाज के को प्राप्त, समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जाति, कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म के लोग अछूता न रहे, इस तरह के विकास प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है समावेशिक विकास। प्यारे बुआ याद हुआ, चलिए एक बार फिर हम लोग हमारे साथ आप लोग पढ़िए, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, सभी वर्गों का जीवन कोई न छूटे, समाज का कोई भी वर्ग विकास के इस लाभ से अछूता नहीं रह सके, इस तरह के विकास की क्रिया को समावेशिक विकास कहा गया, इस तरह की प्रक्रिया को समावेशिक विकास कहा गया। बात समझ में आया।
चलिए अब हम लोग इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हमारा है सतत विकास। देखिए यहाँ है समावेश और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों सतत विकास। सतत सतत का मतलब क्या होता है? सतत मतलब होता है हमेशा हमेशा, ये नहीं कि आज हमें लाभ प्राप्त हो और दो चार वर्षों के बाद उस लाभ से हम वंचित हो जाए। हम लोग खूब ज्यादा संसाधन का उपयोग कर ले और हमारे आने वाले पीढ़ी के पास समस्या हो जाए। इस तरह के विकास को हम सतत विकास नहीं कहते हैं। सतत विकास का अर्थ ही होता है विकास वह प्रक्रिया जो टिकाऊ अर्थात लंबे समय तक चले, इसमें वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और भविष्य में भी हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी प्रकार के अभाव का सामना ना करना पड़े हो, इस तरह के विकास को कहा जाता है सतत विकास। हम परिभाषित करते हैं सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके अर्थात टिकाऊ बना रह सके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते सतत विकास का ऐसा विकास जो जारी रह सके टिकाऊ बना सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान की विकास पर ध्यान है बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या बोले हैं मेरे प्यारे हैं कि सतत विकास में केवल मान लीजिए हम वर्तमान की पूर्ति कर ले, वर्तमान में हमें सब कुछ मजे से चले, लेकिन आने वाला 20-25 वर्षों के बाद उस साधन का घोर अभाव हो जाए तो इस तरह के विकास की प्रक्रिया को हम सतत विकास नहीं कर सकते। हम अपने संसाधन का सब कुछ उपयोग कर ले और हमारे आने वाले जो अगला पीढ़ी है हमारे बच्चे हैं उन्हें इस विकास से वंचित होना पड़े, ऐसे विकास को सतत विकास नहीं कहा जाता। सतत विकास जो लंबे समय तक टिका रहे, जो वर्तमान में भी हमारी पूर्ति करे और भविष्य का भी प्रॉब्लम हमें नहीं, वही लिखा है मेरे प्यारे सतत विकास क्या होता है विकास की जो लंबे तक चले, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरी करे और भी चिंता न रहे, वही मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके और बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी की विकास पर बल्कि आने वाली ब्रूडलैंड आयु के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों तो बराबर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि सतत विकास की अवधारणा कौन सा आयोग दिया, तब क्या याद रखिएगा ब्रूडलैंड आयोग। ब्रूडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास है विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सके। अभी बड़ी बोले मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति हो लेकिन भावी पीढ़ी का भी इस विकास की गति से अछूता न रह जाए, उनकी भी पूर्ति होता रहे, इस तरह के विकास को मैं सतत विकास कहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दोनों बातों को समझ चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सतत विकास और समावेशिक विकास को आप लोग समझ चुके होंगे, सतत विकास में क्या है और समावेशिक विकास में क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद कर लीजिएगा कि समावेशिक विकास का अर्थ होता है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ, लाभ से समाज के कोई वर्ग नहीं छूटे, तो उसे हम लोग समावेशिक विकास कहते हैं। लेकिन सतत विकास उसे कहते हैं विकास की प्रक्रिया वर्तमान की आवश्यकताएं की पूर्ति तो हो लेकिन भावी पीढ़ी को भी किसी प्रकार की तकलीफें नहीं हो। सतत विकास की अवधारणा कौन सा आयोग दिया था मेरे प्यारे बच्चों हम लोग याद रखेंगे, सतत विकास की अवधारणा हमारा कौन सा आयोग दिया हुआ था ब्रूडलैंड, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मन लगा के दिए एकाग्र अतः आप इसी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अगला हमारा टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लान, मतलब योजना बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम जीवन में बड़ा काम करना होता है तो हम उस काम का एक योजना बनाते हैं। हमारे पास जितना उपलब्ध साधन होता है, जैसे मान लीजिए घर में अगर किसी बेटी की शादी है, आपके बहन की शादी है, तो आपके पिता के पास जितना पैसा होगा या जितना संसाधन होगा, उन संसाधन को पहले एक या तो लिखित या मौखिक एक योजना बनाते होंगे। इतना पैसा हमें लड़के वाले को देना है, इतना पैसा हमें टेंट पे खर्च करना है, इतना पैसा हमें बराती के स्वागत के लिए खर्च करना है, इतना पैसा हम लोगों को घर में आए मेहमानों पे खर्चा करना है, अनेक प्रकार के वगैरह वगैरह क्रिया। इसी प्रकार का जो ये देश है, ये जो 144-145 करोड़ की जनसंख्या है और ये इतना विशाल देश है, इन देशों में शब्द साधन को कितना किस तरीकों से उपयोग किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, इसके लिए बनाए गए योजना वो ही हम लोग आर्थिक नियोजन। वही मेरे प्यारे बच्चों, वही लिखा गया आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है, तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध साधनों को भिन्न विकासात्मक विकास के क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश में उपलब्ध साधन को प्राथमिकताओं के अनुसार, प्राथमिकता मतलब हुआ किस चीजों में ज्यादा खर्चा किया जाए, किस चीजों में कम खर्चा किया जाए, तो प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकासात्मक क्रिया में, विकास की क्रिया में खर्च करना ही, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। हमारे देश में इस कार्य के लिए एक आयोग बनाया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग बनाया गया। भारत में आर्थिक नियोजन को सफल रूप से संचालन के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग का निर्माण किया गया, जिसका पदेन अध्यक्ष, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका पदेन अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होते हैं। जो अभी प्रधानमंत्री होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष वही होगा। तो हमारे देश में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो आपको क्या याद रखना है, 15 मार्च 1950 ईस्वी। दूसरा क्या याद रखना है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम 1915 ईस्वी में नीति आयोग रख दिया गया, जिसका वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अभी मेरे प्यारे बच्चों, 2014 के बाद जब हमारे देश में यूपीए की सरकार गई और एनडीए की सरकार आई, ये हमारे जो नरेंद्र मोदी है, यह नाम बदलने में बड़ा तेज है, या किसी चीज का हमेशा नाम ही बदलता रहता है, वो आप भी जानते हैं। तो देश आजादी से के समय एक योजना आयोग का निर्माण किया गया था, कब, 15 मार्च 1950 को, और 1915 ईस्वी में हमारे जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत सरकार बना, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस योजना आयोग का नाम बदल कर क्या नाम रख दिया, नीति आयोग। मेरे प्यारे बच्चों, पूछता रहता है नीति आयोग कब नाम रखा गया, 1915 ईस्वी। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950 ईस्वी। इस योजना आयोग के द्वारा देश में पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। हमारे देश में योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षों का कार्यक्रम बनाया जाता है, हम पंचवर्षीय योजना के नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, आर्थिक नियोजन क्या है, तो देश में उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहला। भारत में आर्थिक नियोजन के सफल संचालन के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग का स्थापना किया गया,
इनके अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधान। तो अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप तो जवाब दे दीजिएगा, आपका जो आपके देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी हमारे देश के ये कहा जाए कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें बहुत सफल हुए वो। हमारे देश की आजादी के समय उन्होंने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए, जैसे एम्स का निर्माण, आईआईटी, नीट, इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री ही किए। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। बराबर पूछा जाता है हमारे देश के डेवलप का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, कृषि एवं उद्योग को आधुनिकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। मेरे प्यारे बच्चों, 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के कारण हमारे देश में पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई। इसीलिए इस प्रकार की योजना आयोग की स्थापना किया गया और इन योजना आयोग का ये भार दिया गया कि अभी वर्तमान में जो उपलब्ध साधन है आप इस तरह की योजना बनाइए कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो, औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि समाज में सभी वर्गों को लाभ हो, ऐसा नहीं कि कुछ वर्गों इस लाभ से खूब ज्यादा मालोमाल हो जाए और कुछ वर्षों को लाभ से पूर्ण रूप से बंच। तो योजना आयोग का ये भार दिया गया कि आप इस प्रकार की योजना बनाए जिससे सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिले। बात समझ में आ गई? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। भारत में पंचवर्षीय योजना का इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में योजना आयोग ने क्या किया, हमारे देश में 5-5 वर्षों का कार्यक्रम बना जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। इन्हें हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि आज हमारा देश जो सभी सेक्टर में, कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, संचार व्यवस्था में हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हम अपने देश के कुछ क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जो हम लोग इतना डेवलप किए हैं इसमें हमारे पंचवर्षीय योजना का योगदान बहुत हमारे देश में वही लिखा भारत में आर्थिक अवधारणा USR से ली गई। तो ये आप लोग जानते हैं आर्थिक नियोजन का यह प्रक्रिया इसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लॉन्च की जाती है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने पंचवर्षीय योजना अब तक समाप्त हो चुकी है, तो आप क्या लिखिएगा? 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी। लेकिन हमारा वर्तमान में जो ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, एनडीए की सरकार, वर्तमान एनडीए सरकार, भारत में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में रोकी गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे बच्चों कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। हमारी पंचवर्षीय योजना पहले क्या था? 1951 से 1956, 5 वर्ष। यह योजना किस मॉडल पर आधारित है? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यह योजना किस मॉडल पर? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित। क्या याद रखें मेरे प्यारे बच्चों? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित। आपसे ये है कि इसका मुख्य ध्यान किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा था? देश की कृषि विकास पर। मेरे प्यारे, हमारा देश जिस समय आजाद हुआ था हमारा कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा जर्जर,
और जीवन की मूलभूत आवश्यकता में सबसे पहले होता है भोजन। तो हमारे पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सेक्टर पर ध्यान दिया गया, कृषि सेक्टर पर ध्यान गया। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की। हमारा देश डेवलप होने लगा। जहां हम नीचे की ओर जा रहे थे, अब हम लोग विकास की गति अग्रसर हुए। और पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में सबसे ज्यादा किस चीजों पे ध्यान दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र पे। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारे देश का जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम याद रखें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, इसमें क्या था? गैर कृषि क्षेत्र, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गैर कृषि क्षेत्र मतलब कृषि कार्य छोड़कर गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर प्रदान कर, 0 से 3 साल तक बच्चों को कुपोषण को कम करना, 2017 तक सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना। आपके भी गांव में बिजली होगा, आप अपने दादा से पूछिएगा, अपने पापा से पूछिएगा, आज से 10-20 वर्ष पहले शहर तक ही बिजली सीमित, सभी गांव में बिजली उपलब्ध नहीं था। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बिजली का ही देन है, तभी बिजली है हम आपको पढ़ा। ये बिजली कब आया मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में? आया तो शुरुआत में, लेकिन 2017-12-11-17 तक में इसमें सब ज्यादा तेजी से विकास हुआ, गांव गांव तक बिजली पहुंचाया गया, ग्रामीण आबादी को 50% जनसंख्या को उचित पेयजल उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाना, हरियाली पैदा करना, देश में 90% परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हर घर में बैंक का खाता होगा, लेकिन आज से 10-20 वर्ष पहले सभी घर में बैंक का खाता नहीं होता था। तो हमारी पंचवर्षीय योजना में ये कुछ उद्देश्य दिए गए हैं और इस पे काम किया गया। तो हम लोग सभी लोग, समाज के सभी लोग इन सभी वर्गों से धीरे धीरे जुड़ते गए। और हम मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना होगा हम लोग को, भारत में वर्तमान मोदी सरकार, हमारे जो अभी वर्तमान मोदी सरकार है, भारत में वर्तमान मोदी सरकार पंचवर्षीय योजना 1917 से बनाना बंद कर दिया। अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना नहीं चलती। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई गई पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली बंद कर दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना आप लिख सकते हैं 12वीं पंच। अब संशय के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही भारत सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में इन पंचवर्षीय योजना के अतुलनीय योगदान रहा। इस योजना के माध्यम से भारत कहता है कि कम साधनों में कैसे देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पंचवर्षीय के लाभ को, इन्हीं पंचवर्षीय योजना के कारण हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप किए। जहाँ हमारी आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर थी, उससे उभरकर हम लोग विकास की ओर अग्रसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तब जय हिंद।